ग्रीन का जो कंडीशन है ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा वो पेशेंट अभी भी इसकी बर वक्त या ट्रीटमेंट नहीं करता तो इससे क्या होगा, ये किडनी को फेल करने की तरफ लेके जाएगा, तो किडनी फेलर इससे हो सकता है। क्या चीज हो सकता है? किडनी फेलर। तो याद रखिए, किडनी को फेल होने से बचाने के लिए आप किडनी स्टोन का जो ट्रीटमेंट है वो बर वक्त करेंगे। अगर आप बर वक्त करेंगे तो आप इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा पाएंगे, ठीक है। सेकेंडली विल मूव टूवर्ड्स द टेस्ट एंड डायग्नोसिस। अगर एक पेशेंट को किडनी स्टोन है तो हम कैसे टेस्ट एंड डायग्नोसिस उनकी करेंगे, ठीक है। हाउ टू डायग्नोस द कंडीशन, सबसे पहला पहला यही है, पहला पॉइंट कि वी हैव टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने उस पेशेंट को सिंपली फिजिकल एग्जामाइन करना है। फिजिकल एग्जामाइन से मुराद हमने फिजिकल उस पेशेंट से यही उनकी बॉडी में यही साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं। जब हमें शक हो कि इसको किडनी प्रॉब्लम है, सो देन वी विल सेंड द पेशेंट टुवर्ड्स अल्ट्रासाउंड। हम अल्ट्रासाउंड उनकी करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ हम उस पेशेंट की सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। ये वो इमेजिंग टेक्निक्स है जिसके जरिए हमें इमेजेस मिलेंगे, तस्वीरें मिलेंगे किडनी के बारे में, और किडनी में मौजूद जहां पे ब्लॉकेज है या किडनी में मौजूद जहां पे स्टोन है वहां पे वो स्टोन हमें इन्हीं इमेजिंग टेस्ट की वजह से हमें मिल सकते हैं। सो वी विल डू द इमेजिंग टेस्ट टू लाइक अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन, और उसी के साथ साथ हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, एंड वी कैन फिजिकली एग्जामाइन द कंडीशन दैट वेदर दैट पेशेंट इज हैविंग सच कंडीशंस और नो। इसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ चले जाएंगे। तो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट प्लान यही है कि हम पेशेंट से कहें कि वो पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, ठीक है, एक्सरसाइज के साथ जो है वो क्या करें, ही हैज टू यूज वाटर और फिल्टर वाटर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो फिल्टर वाटर इस्तेमाल करेगा तो छोटे छोटे जितने भी स्टोन्स मौजूद है वो सारे के सारे उस पानी के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर निकलेंगे, ठीक, और लिहाजा उनकी यूरिनरी सिस्टम साफ रहेगी और वो इस किडनी स्टोन से जो है वो बच पाएंगे, क्लियर। इसके अलावा हम इसी पेशेंट की जो कंडीशनिंग है कि किडनी स्टोन की, वो हम यानी कि पेशेंट अगर ज्यादा सेवरिटी की तरफ नहीं है तो हम साशे जैसे कि सिट्रो सोडा है हम उसे ये देते हैं, सिट्रालका जैसे शरबत है हम उसे सिट्रालका देते हैं। तो अब सिट्रालका या सिट्रो सोडा ये यानी कि डायब्यूरेटिक्स है, ये यूरिन को बढ़ा देंगे। जब पेशाब बढ़ जाएंगे बाज़ औक़ात हम इसी कंडीशनिंग को और इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए हम लेजिक्स टैबलेट या फिर इंजेक्शन देते हैं। इनके देने से क्या होगा, यानी कि फ्यूरोसिमाइड है, इनके देने से क्या होगा कि भाई डायब्यूरेटिक से यूरिन पेशाब बढ़ाया जाएगा। तो जब पेशाब की क्वांटिटी यानी यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो लिहाजा उनकी किडनीज साफ से साफ होते जाएंगे और उनकी किडनी में मौजूद जो एक्युमुलेशन है बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीडेट और फॉस्फेट का, वो एक्युमुलेशन नहीं रहेगा। लिहाजा वो पेशेंट अपने आप को किडनी स्टोन से बचा पाएगा और वो इस कंडीशन से यानी कि दूरी की तरफ चलता जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर स्टोन की साइज बड़ा है यानी स्टोन जो है वो इस अमाउंट में नहीं है कि उन्हें बॉडी के यानी कि जस्ट थ्रू मेडिकेशन उनको बॉडी से बाहर निकाला जाए, तो हम क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज लिथोट्रिप्सी। क्या कहेंगे, लिथोट्रिप्सी। आपने अक्सर नाम सुना होगा लेजर का, तो हम क्या करते हैं, लेजर करते हैं, रेस पास करते हैं उसी पत्थर को या उसी स्टोन को, उसी पत्थरी को हम टारगेट करेंगे और उनसे रेस पास करेंगे। जब रेस उनसे पास होंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा और फिर अगर उनको पानी पिलाया जाए तो वो बासानी जो है वो बॉडी के बाहर जा सकते हैं। दिस मेथड इज डन विदाउट एनी सर्जरी, ये बगैर ऑपरेशन के किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लेजर या फिर लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी वो मेथड है जिसमें पेशेंट की उसी स्टोन को टारगेट किया जाए और उनसे रेस पास किए जाते हैं। जब वो रेस उनसे पास हो तो वो पत्थर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा एंड दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी इजिली थ्रू यूरिथ्रा। देखिए, उसे यूरिथ्रा से बॉडी के बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पत्थर लिथोट्रिप्सी से भी ना तोड़ा जा सका, देखिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वी विल डू सर्जरी फॉर दैट कंडीशन। हम इसके लिए सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो सर्जरी ऑपरेशन के जरिए हम उस पत्थर को निकाल देंगे और जो ऑब्स्ट्रक्शन है यानी कि जो रुकावट है वो रुकावट खत्म होगा और दोबारा पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ
जाता जाएगा। अगर इस पत्थर से बॉडी में मौजूद यानी कि उसी यूरिनरी सिस्टम में मौजूद कोई इन्फेक्शन या कोई इंजरी, कोई हार्म, कोई नुकसान पहुंचा है तो हम साथ साथ एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारे पास मौजूद लिवोफ्लॉक्सासिन लेफ्लॉक्स के नाम से जो आता है, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि नोविडेड या साइरोसिन के नाम से आते हैं। सो दिस वुड बी द मेडिकेशंस, ये वो मेडिसिन होंगे या वो मेथड होंगे जिसके जरिए हम किडनी स्टोन को ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड द बेटर ऑप्शन इज टू टेल द पेशेंट टू टेक अ लॉट मोर वाटर फॉर द स्टोन, यानी हम उस पेशेंट को यही कहेंगे कि वो पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो पत्थर जिस्म से बाहर निकल जाए, ठीक है। अगर इस मेथड से नहीं हुआ तो देन विल मूव टुवर्ड्स द लिथोट्रेक्स। क्लियर यहां तक? तो यहां तक आपका टॉपिक हो जाता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। यस सर, ये किडनी स्टोन अमूमन किस देखिए किडनी स्टोन